Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, welcome to class 5th Maths Chapter number 1, Geometry, Session 11. In previous lecture, we began exercise 1.3. Now, in this lecture, we will continue exercise 1.3. Now, in exercise 1.3, question number 4. For the shape given below, state whether the angle is acute, obtuse and reflex. हम लोगों को इसमें क्या पूछा गया है, जो नीचे फिगर दी गई है उसमें से जो एंगल बन रहे हैं वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है या रिफ्लेक्स है, वो हमें बताना है। तो एक्यूट एंगल जो हम लोग को शेप से देख के पता चल सकता है, ऑब्ट्यूज भी शेप से देख के पता चल सकता है और रिफ्लेक्स एंगल भी शेप से देख के हम लोग पता कर सकते हैं। सो एंगल ए, फर्स्ट ऑफ ऑल इज एंगल ए। अब एंगल ए यहाँ पे है और जब हम लोग देखें यहाँ पे डिफरेंस जो है हम लोग के फर्स्ट आर्म और सेकेंड आर्म के बीच में वो बहुत कम है और ये अल्फाबेट ए बना रहा है। तो जैसे मैंने कल बताया था, जो अल्फाबेट ए बनाता है एंगल, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो हम लोग जो एंगल ए है वो क्या है, एक्यूट एंगल। तो हम लोग एंगल ए के सामने लिख देंगे एक्यूट एंगल, यानी एंगल ए जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट इज एंगल बी। अब एंगल बी क्या है, एंगल बी में हम लोग का जो फिगर है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, यानी कि इसका जो डिफरेंस है फर्स्ट आर्म और सेकेंड आर्म का वो बहुत दूर दूर है। सो इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। हम लोग यहां पे लिख देंगे ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ एंगल सी। अब एंगल सी पे आएंगे, सेम एंगल सी का जो डिफरेंस है फर्स्ट आर्म और सेकेंड आर्म का वो बहुत कम है और ये भी अल्फाबेट ए की तरह बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंगल सी इक्वल्स टू एक्यूट एंगल। नाउ लास्ट इज एंगल डी। अब हम लोग एंगल डी पे आएंगे। अब एंगल डी पे है जो हम लोग का जो फिगर है ये स्ट्रेट लाइन अगर जाती तो यहां से जाती, यहां पे स्ट्रेट लाइन के आगे चला गया है तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट लाइन यहां से स्टार्ट हुई तो हम लोग की स्ट्रेट लाइन कहां पे जाएगी, इस साइड पे जाएगी, पर जो उसकी सेकेंड आर्म है वो इसके बाहर है तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। सो एंगल डी इज रिफ्लेक्स एंगल। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे रिफ्लेक्स एंगल। सो इस तरीके से हम लोग देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा एंगल एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है और कौन सा रिफ्लेक्स है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक्स। हम लोगों को इसमें क्या पूछा गया है कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ एंगल, कि किस टाइप का वो एंगल है जो क्लॉक के हैंड्स के बीच में बन रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे क्लॉक है, क्लॉक का हैंड क्या है, 10 के अराउंड है जो स्मॉल हैंड है और जो बिग हैंड है वो 5 पे है। सो हम लोग को बताना है कि ये कौन सा एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सो हम लोग को देख के पता चल सकता है कि ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी, वो स्ट्रेट लाइन कहाँ पे जाएगी, इस जगह पे जाएगी और इसके ये इस साइड में अंदर की साइड पे है तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। हम लोग यहां पे लिख देंगे ऑब्ट्यूज एंगल। कि जो हमारा क्लॉक के जो हैंड्स हैं वो कौन सा एंगल बना रहे हैं, तो वो कौन सा एंगल बना रहे हैं, तो हम लोग लिख देंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, नाउ वी हैव बी। हम लोग को एक और क्लॉक यहां पे दिख रही है। इस क्लॉक में जो स्मॉल हैंड है क्लॉक का वो 3 और 4 के सेंटर में है और जो बिग हैंड है क्लॉक का वो कहाँ पे है, 6 पे है। तो अब हम लोगों को बताना है कि जो दोनों हैंड है वो कौन सा एंगल बना रहे हैं।
तो हम लोग को ये एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो ये कौन सा एंगल बन रहा है हम लोग का, तो हम लोग कैसे पता करते हैं, ये हम लोग का जो डिस्टेंस है फर्स्ट हैंड और सेकेंड हैंड की बहुत कम है, और ये अल्फाबेट क्या बना रहा है, ए अल्फाबेट बना रहा है। तो जो भी अल्फाबेट ए बनाता है एंगल, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक्यूट एंगल कि ये कौन सा एंगल बना रहा है, तो एक्यूट एंगल बना रहे हैं दोनों हैंड क्लॉक के। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स मार्क इन रेड। इसमें हमें क्या पूछा गया है कि हम लोग को मेजरमेंट फाइंड करनी है उन एंगल्स की जो रेड से मार्क किए गए हैं। सो हम लोग का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें फिगर है, ये फिगर है हमारा। अब इस फिगर में हम लोग को दिस वन एंगल इज 30 डिग्री, हम लोग को ये वाला एंगल दिया गया है 30 डिग्री, और हम लोग को पूछा क्या गया है, हम लोग को बताना क्या है, रेड मार्क एंगल हम लोग को बताना है कि कितने डिग्री का है। सो रेड मार्क एंगल हम लोग का यहां से लेकर यहां तक है जो हमें बताना है। सो इसमें हम लोग को सर्कल दिख रहा है ये, तो सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल इट इज 360 डिग्री। सो हम लोग यहां पे लिखेंगे कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल हम लोग का कितना होता है 360 डिग्री। अब कंप्लीट एंगल हमें पता है, और हम लोग को एक एंगल दिया गया है 30 डिग्री, वो हमारा क्या है, नोन एंगल, यानी हमें पता है नोन एंगल इक्वल्स टू 30 डिग्री, और हम लोग को जो फाइंड करना है उसे हम नेम दे देते हैं अननोन एंगल, यानी हमें फाइंड करना है अननोन एंगल। अब अननोन एंगल हमें फाइंड करना है, सो अननोन एंगल के हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अननोन एंगल इक्वल्स टू कंप्लीट एंगल सब्ट्रैक्ट नोन एंगल। हम लोग को ये फॉर्मूला है अननोन एंगल फाइंड करने के लिए, कंप्लीट एंगल माइनस नोन एंगल। तो कंप्लीट एंगल हमारा क्या है 360 डिग्री, हम लोग यहां पे लिख देंगे 360 डिग्री, उसमें सब्ट्रैक्ट करना है नोन एंगल जो हम लोग का है 30 डिग्री। सो हम लोग का जो अननोन एंगल है वो क्या है 330 डिग्री, हम लोग ने 360 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस किया यानी सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा आंसर है 330 डिग्री। सो इट इज अवर अननोन एंगल, जैसे कि हम लोग का मार्क किया गया है रेड में वो क्या है हमारा 330 डिग्री। नाउ कम टू बी, नाउ अब हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है एक फिगर, इस फिगर में हम लोग को लेफ्ट साइड वाला एंगल दिया है 40 डिग्री, राइट साइड वाला एंगल दिया है 60 डिग्री, और सेंटर एंगल हमें फाइंड करना है, सेंटर एंगल फाइंड करना है क्योंकि वो क्या किया गया है रेड से मार्क किया गया है। सो पहले हम लोग लिख लेंगे, हम लोग का ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल हम लोग का कितने डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का होता है। हम लोग यहां पे लिख देंगे स्ट्रेट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, हम लोग को स्ट्रेट एंगल पता है कितने डिग्री का होता है, तो हमने वो लिख दिया 180 डिग्री। अब हम लोग का नोन एंगल, यानी कि जो हम लोग को एंगल्स पता है वो कौन कौन से हैं, 40 डिग्री और 60 डिग्री, हम लोग लिख देंगे नोन एंगल्स। सो नोन एंगल्स हो जाएंगे हम लोग का 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी कि हम लोग को 40 प्लस 60 इज 100 डिग्री पता है इस एंगल के अंदर है, दिस इज 40 एंड दिस इज 60। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, अननोन एंगल फाइंड करना है, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे अननोन एंगल जो हमें फाइंड करना है उसके लिए क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग अननोन एंगल फाइंड करने की फॉर्मूला, अननोन एंगल इक्वल्स टू स्ट्रेट एंगल जो हमें पता है सब्ट्रैक्ट नोन एंगल जो हम लोग को पता है नोन एंगल, यानी कि हम लोग को जो मिला हुआ है। तो स्ट्रेट एंगल कितना है हम लोग का 180 डिग्री,
उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हम लोग को नोन एंगल, जो टोटल है उसका 100 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 डिग्री। अब 180 में से हम लोग को माइनस करना है 100 डिग्री, इट इज 80 डिग्री। सो हम लोग का जो अननोन एंगल है, जो यानी मार्क किया गया है रेड से, वो क्या है 80 डिग्री। हम लोग का मार्क किया हुआ एंगल है 80 डिग्री। हमने कैसे फाइंड किया, टोटल हम लोग को स्ट्रेट एंगल मिला हुआ है, स्ट्रेट एंगल में से जो हम लोग को एंगल्स दिए गए हैं उनको हम लोग ने सब्ट्रैक्ट किया, तो हम लोग का जो मार्क किया हुआ था रेड से वो हमें पता चल गया। तो इस वजह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जो मार्क किए हुए हैं रेड से एंगल। ओके, नाउ सी, अब सी में हम लोग को क्या दिख रहा है, ये फिगर है। अब इस फिगर में हम लोग को कोई भी एंगल बताया गया नहीं है। अब हम लोग इस साइड में क्या है, यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ है और उस पर क्वेश्चन मार्क यानी रेड मार्क है, और इस साइड पे एक सर्कुलर है उस पर भी रेड मार्क है। अपन हम लोग ने जो सीखा है अभी तक एंगल्स के बारे में, सो उसमें हमने एक चीज सीखी है, जब हम लोग का एंगल 90 डिग्री होता है तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करते हैं। सो इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग पता कर सकते हैं कि जो अंदर साइड वाला एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फिगर वी नो दैट फर्स्ट मिसिंग एंगल इज 90 डिग्री। जो हम लोग का फर्स्ट मिसिंग एंगल है यानी जो अंदर की साइड पे एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। अब सेम ये पूरा हम लोग का सर्कल है तो कंप्लीट एंगल हुआ, तो हम लोग को कंप्लीट एंगल पता है कितने डिग्री का होता है, कंप्लीट एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल हम लोग का होता है 360 डिग्री का। अब नोन एंगल तो हम लोग को थोड़ा नहीं पता, पर हम लोग ने 90 डिग्री पता किया। सो हम लोग के लिए अब क्या हो गया, नोन एंगल जो है वो हो गया 90 डिग्री। अब अननोन एंगल हमें इसमें फाइंड करना है, सो अननोन एंगल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, जो हमें फाइंड करना है। अब अननोन एंगल की फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं, अननोन एंगल इक्वल्स टू कंप्लीट एंगल सब्ट्रैक्ट नोन एंगल। अननोन एंगल की फॉर्मूला क्या लिखा है हमने, कंप्लीट एंगल में से हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है नोन एंगल को। सो कंप्लीट एंगल हम लोग का होता है 360 डिग्री, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमको 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग ने 90 डिग्री फाइंड आउट कर लिया है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री। नाउ 360 डिग्री में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 डिग्री, तो क्या आएगा हमारा आंसर, 270 डिग्री। सो हमारा जो सेकेंड अननोन एंगल है वो क्या है, 270 डिग्री। फर्स्ट इज 90 डिग्री एंड सेकेंड इज 270 डिग्री। नाउ कम टू डी, डी में हम लोग को एक फिगर दिख रहा है, इस फिगर में हम लोग को इस साइड का एंगल जो है वो क्या है 160 डिग्री, और जो रेड कलर से मार्क किया गया है वो हमें फाइंड करना है। सो सेम हम लोग यहाँ पे पहले लिख देंगे, पूरा सर्कल है तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख देंगे कंप्लीट एंगल। अब हमारा कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है हमें पता है, 360 डिग्री का होता है। अब हम लोग के लिए नोन एंगल क्या हो जाएगा, 160 डिग्री। नोन एंगल इक्वल्स टू 160 डिग्री। हम लोग को कंप्लीट एंगल पता है, नोन एंगल पता है, हम लोग को फाइंड करना है अननोन एंगल, यानी कि जो हम लोग को पता नहीं है वो हमें फाइंड करना है। सो अननोन एंगल की फॉर्मूला, अननोन एंगल इक्वल्स टू कंप्लीट एंगल सब्ट्रैक्ट नोन एंगल। तो हम लोग का कंप्लीट एंगल क्या है, 360 डिग्री, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हम लोग को 160 डिग्री, जो हम लोग को नोन है यानी पता है।
तो 360 में से हम लोग माइनस करेंगे 160 डिग्री, तो हमारा आएगा 200 डिग्री। सो जो हमारा अननोन एंगल है वो क्या है हम लोग का 200 डिग्री। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एंगल्स विच आर मार्क्ड इन रेड। ओके।